हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कल 10/7/2023 को दो जनपदों में रहेगा आकस्मिक अवकाश, क्यों रहेगा, इसी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो यह आदेश है 9/7/2023 का, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़। तो नीचे जाते हैं, जनपद हापुड़ जिला अधिकारी हापुड़ के द्वारा मुझे ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि मौसम विभाग के द्वारा अत्यधिक वर्षा के पूर्वानुमान को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के इंटरमीडिएट स्तर तक के समस्त राजकीय अशासकीय वित्त पोषित वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक मदरसा विद्यालय, CBSE, ECESE और विद्यालय परिषद प्राथमिक उच्च प्राथमिक संस्थान विद्यालयों में दिनांक 10/7/2023 का विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। उक्त सभी प्रकार के विद्यालय दिनांक 11/7/2023 को यथावत खुलेंगे। और यह आदेश है PK उपाध्याय जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़। अगला आदेश देख लेते हैं, और यह आदेश है गौतम बुद्ध नगर, ये भी आदेश 9/7/2023 का है। भारी वर्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालय दिनांक 10/7/2023 को सोमवार को बंद रहेंगे। और यह आदेश है जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक।